देखें, नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन इच्तजाज करती है पिछले 3 सालों से, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से नबी के सदक़े में इमरान ख़ान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। और ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो इत्तेजाजी मुजाहरा किया, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनके उम्मीदवार थे और लोग थे, जो लोग गुरबत से बराए रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान की क़ियादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान ख़ान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है तो इसकी पूरी नज़र है। और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है, फैटफ है, IMF है, डेट है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, इंशाल्लाह इससे नबरू आज़मा होंगे। और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मंजूरी अल्लाह की होती है, इज़्ज़त अल्लाह देता है, इख्तदार अल्लाह देता है, अल्लाह ही लेता है, इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल पर काबू पाएंगे। 3 क्वेश्चन। तहरीके लबैक के साथ आपने वादा किया कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, उस वादे पे अभी तक तहरीके लबैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। मुझे जवाब देने दे प्लीज़। और फ्रांसीसी एम्बेसडर से हटकर इस मुल्क में मदीने की रियासत के लिए इमरान खान काम कर रहा है, काला काला रसूलल्लाह का आलम बुलंद करेंगे। अपोजिशन देखें, जितना मीडिया अपोजिशन को मिल रहा है ये गमाजी करता है कि इस मुल्क में जमहूरी सियासी आज़ादियां हैं। और हम अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लुकात कशीदा कर लें, हम आशिक़ रसूल हैं। ख़त्मे नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाही है, अगर ख़त्मे नबूवत में मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है तो अपना नाम TV पे बताए, मैं घर जा के उसको मुबारक दूँ। अगर किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में इत्तेजाज किया जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। लास्ट क्वेश्चन। देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि नुकसान कम हो, लड़ाई झगड़ा कम हो, दंगा फसाद कम हो और अपने मकासद को हम हासिल करें। ये 40 कैमरे इस वक्त लगे हैं, ये 40 कैमरों पे इत्तेजाज जाता है। दुनियाएं सियासत में मुझे एक मुल्क का नाम बताएं जिसमें सियासतदान मेरे समेत, बेशक मुझे वो कहते हैं कि एक पार्टी का लीडर है, एक सीट का लीडर है, वो कट होता हो, दुनिया में किसी मुल्क को बताएं। और इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपने कौम को इकट्ठा रखा हुआ है और हमें भी आप अपना रास्ता दिखाते हैं। जी लास्ट, देखें ये फवाद चौधरी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।